आप देख सकते हो हार्दिक की पकड़ कितनी अच्छी है, बॉल कितनी बढ़िया ढंग से वो खेलता है। आप देखो ये देखो, 1 2 3 4 तो कैचिंग पावर हार्दिक की बढ़िया है, क्योंकि कंसंट्रेशन इसका, कंसंट्रेशन जब रहता है तो बहुत बढ़िया रहता है, और जब नहीं रहता है तो फिर कोई भी काम करवाना, आपने देखी होगी वीडियोस। 1 2 बॉल कैच, बॉल कैच, बॉल कैच, बॉल बॉल बॉल, 1 2 3 4 5 6 7 8 बैलेंसिंग देखो, बैलेंसिंग पावर इसकी, 1 2 बैलेंस कर रहा है बॉल को, मतलब मेरी बेटी भी नहीं कर पाती इतना अच्छा बैलेंस जितना ये करता है। और करो 10 टाइम करो, 1 2 3 4 5 10 टाइम, 1 2 3 4 एक्साइटेड हो गया, ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाओ, इस तरीके की बॉल आप ले लीजिए बच्चे के लिए, अगर आपके पास भी मतलब इतना इतना छोटा बच्चा है, ऐसे छोटा है तो घर में ही बच्चे जो है खेलते रहते हैं बॉल से, और उनका जो ADHD है अगर हाइपर है तो इससे रिड्यूस भी होगा, उसका जो हाइपर बना है वो रिड्यूस होगा, और उसका जो एनर्जी लेवल है वो कम होगा, और रात को वो काम होकर सो जाएगा जितना थकेगा। तो और वॉकिंग भी आप ज़रूर करवाइए, तो ये जो है बच्चा बहुत ज़्यादा अब जो है डाउन, यानी कि अभी इसके अंदर हाइपर एक्टिविटी बहुत कम हो चुकी है, कभी कभी होती है इसे, मैंने बहुत मतलब बहुत कोशिशें करी हैं तब जाके ये कंट्रोल हुआ है। और देखिए आप बैलेंसिंग इसका कितना पावर, मतलब बैलेंसिंग इतना इस एज में इसका इतना अच्छा है, ये रात के अंधेरे में भी मतलब कहीं भी इसको पूरा हिसाब होता है, अंधेरे में भी सीढ़ियों में हर चीज़ में। तो इतना मेरी बेटी है 10-11 साल की, उसको नहीं है जितना इसे है, तो पांचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती हैं, किसी के अंदर कोई खूबी होती है, किसी के अंदर कोई खूबी होती है। तो अगर मैं दोनों बच्चों की बात करूं तो बैलेंसिंग में हार्दिक इज़ नंबर 1, और बाकी और चीज़ों में तो हंसिका है ही नंबर 1 अकॉर्डिंग टू बोथ, अगर कंपेयर किया जाए तो। इस अभी मैं वीडियो बनाने के बाद मैं इसके साथ खेलने वाली हूँ, और मैं इसके साथ बॉल खेलूँगी, कैच करूँगी, क्योंकि ये सुबह से कह रहा है कि मम्मा बॉल खेलो, तो मैं इसके मैं ही इसके साथ खेलती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी के पेपर चल रहे हैं तो वो इसके साथ अभी ज़्यादा टाइम नहीं ले, और दोनों जो है दोनों खेल भी नहीं पाते, मैं यहाँ से खेल लेती हूँ इसके साथ। चलो आप खड़े हो जाओ, मैं इसको यहाँ से बॉल देती हूँ, देखो आप कैसे देती हूँ, मुझे दो। अच्छा कैमरे की तरफ मत देना, ठीक है, रुको एक सेकेंड में चश्मा रख दूँ, लाओ कैच कराओ, 1 2 3 4 5 6 अब मैं देखो इसको इस तरीके से बॉल दूंगी कि ये पकड़ लेगा, मतलब टप्पा करके बॉल नहीं दूंगी मैं इसको, ऐसे करके बॉल दूंगी, बॉल देते पकड़ो, हाँ मुंह पे ना लगे, कैच करो, वाओ देखो कैच, मतलब स्टैप हो जाता है, मुझे कैच कराओ, अब मैं उसको उसी तरीके से बॉल दूंगी, कई बार माउथ में फेस में लग जाती है, 1 लाओ दो, कैच 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 द बॉल, अच्छा ऐसे कैच करके दिखाओ 10 टाइम, 1 2 ऐसे कैच करके दिखाना बॉल को, ऐसे नहीं ऐसे देखो, 1 2 1 वेरी गुड, 2 2
सिक्स सेवन एट नाइन टेन। उधर करो, उधर, यहाँ यहाँ नहीं बेटे, वहां पे करो, वहां पे करो। चलो उधर। तो इस तरीके से बच्चों का हाइपर लेवल थक जाते हैं और इनकी एनर्जी ख़त्म होती है, तो शांत बैठे रहते हैं। तो घर में कुछ ऐसा सामान रख देना चाहिए जिससे बच्चे खेलते रहें, और थकान वाला मतलब ये है। लेकिन पहले इसके अंदर 100 बच्चों की, मतलब 50 बच्चों की तो एनर्जी थी, इतनी जल्दी भागता था इधर से उधर, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, पता भी नहीं चलता था कब आ गया कब। एक जनरली बच्चा इतना नहीं कर सकता जितना ये करता था। क्यों करता था? क्योंकि हाइपर था और एक सामने बैठता नहीं था बिल्कुल। अब ये बैठता है, जितनी भी देर बिठा लो बहुत। अब तो कुछ, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जरूरत से ज़्यादा बैठने लग गया एक सामने, ये भी गड़बड़ हो जाएगी। इतना भी नहीं होता, इतना भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह मैं देखती हूँ कि ये आता है और बाहर से आता है और ये जो है लेटने की कोशिश करता है। थोड़ा शायद समझ आ रही है अब इसे सब कुछ धीरे धीरे। चलो खड़े हो जाओ, चलो लाओ, कैच कराओ, कैच कैच, गिव मी बॉल, गिव मी बॉल। ये लो, खड़े हो जाओ। नो मम्मी की नकल नहीं, बैठ के नहीं। इतना बढ़िया बच्चा है, आप कहेंगे तारीफ कर रही हूँ। अगर मेरी कोई भी चीज़ खो जाती है, अरे चप्पल ले लेते हैं, चप्पल। हम लोग क्या करते हैं कि चप्पल हमारी अक्सर क्या होता है, कभी बेड के नीचे चली जाती है या कभी अलमीरा के नीचे, कई बार चली जाती है ना, तो मतलब अपना आप हम हमारे पैर से खिसक के तो मिलती नहीं है। तो मैं जब हार्दिक को बोलती हूँ तो मेरी स्लीपर ढूंढ के ले आता है कहीं से भी, और बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चा मतलब छोटे मोटे काम कर लेता है तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई समझ आ रही है और बच्चा काम कर रहा है, समझ रहा है। चलो आ जाओ बॉल, बॉल को बॉल तो उधर चल गई, लेके आओ। दोस्तों ज़्यादा वीडियोस के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेशन दीजिए आगे की वीडियोस बनाने के लिए, और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। चलो 1 2 एक बार और कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। नो 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 नो, ऐसे नहीं, देखो ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप करो। नहीं नहीं ज्यादा तेज नहीं, वो पंखे में जाएगा फिर बॉल। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।